नमन नारायण जी, नमन नारायण जी, नमन नारायण जी। मित्रों, मैं आपका मित्र डॉक्टर नारायण आचार्य चंडीगढ़ से मित्रों बात करूंगा आज ग्रह गुण मिलान के विषय पर। 36 गुण और 18 गुण में क्या फर्क है, कितने गुण मिलाने चाहिए और कौन सी ऐसी विशेष चीज हो जो आपकी कुंडली में जो मिलान हो जाए तो उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं हो। अगर दोस्तों आप ये पूरा एपिसोड देखते हैं तो मैं आज आपको ग्रह गुण मिलान से संबंधित आपको सारी जानकारियां दूंगा। जानकारियां अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ताकि हौसला बढ़ने पर दूसरा एपिसोड भी किसी और अच्छे विषय के लिए बनाया जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि आजकल कंप्यूटर में कुंडली मिलाते हैं ज़्यादातर। कि नारायण जी, हमने कुंडली मिला के शादी किया था, हमने सॉफ्टवेयर में इंटरनेट पे ऑनलाइन हमने कुंडली मिलाई और कुंडली मिलाने के बाद में जी हमारे तो 25 गुण मिलते थे जी, लेकिन फिर भी डाइवोर्स हो गया, फिर भी लड़के लड़की में संतान पैदा नहीं हो रही, फिर भी विचारों का तालमेल नहीं बनता, झगड़ा बढ़ जाता है। दोस्तों देखिए, कुंडली मिलान नॉर्मली जो आप स्वयं करते हैं उसमें और जो लोग हम करते हैं दोस्तों उसमें बड़ा फर्क है, बहुत ही ज़्यादा उसमें डिफरेंसेज आते हैं। आपकी कुंडली के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए, आपको विशेष रूप से कुंडली में अगर 15 गुण मिले हैं मान लीजिए, 16 गुण मिले हैं, तो उन गुणों के मिलान का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ तो विशेष होगी। जैसे एक व्यक्ति की कुंडली में 18 गुण मिले, क्योंकि मिनिमम 18 गुण अगर मिल जाते हैं तो उसके बाद हम मानते हैं कि ठीक है 18 गुण वाली कुंडली में। लेकिन दोस्तों इसमें भी देखिए साइंस का फॉर्मूला कैसे लगता है, जैसे वर्ण विचार है, वर्ण है, वश्य है, ये इसमें अलग अलग है, ग्रह मैत्री है और आपका नाड़ी दोष है, ये बहुत प्लानिंग से बनाया गया, कभी विस्तार से बताएंगे इस विषय के ऊपर भी। लेकिन दोस्तों मैं आज आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए 36 गुण मिल गए हैं पूरे के पूरे, मैक्सिमम 36 होते हैं, मिनिमम 18 की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों मेरा पर्सनली ये मानना है कि किसी की कुंडली में अगर 12 गुण भी मिल रहे हैं तो मैं कहता हूँ जी ओके, आप शादी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उसमें कंडीशन है, उसमें आपके जो ग्रह मैत्री है, ग्रह विचारों का जो तालमेल है, दोस्तों देखो आपका ग्रह और आपके पार्टनर का ग्रह दोनों के, यदि अगर वो दोनों फ्रेंड है तो दोनों के दोस्ती आपके अगर 5 में से 5 नंबर मिल गए हैं तो आपका विचारों का तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। 5 में से 3 मिले हैं कि 5 में से 2 मिले हैं कि 5 में से 1 है कि 5 में से 0 है, डिपेंड ऑन कि ग्रह मैत्री कितनी मिली है। तो आपका विचारों का सबसे मेन चीज़ है तालमेल विचारों का। अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं या अरेंज मैरिज आ रही है तो सबसे पहले कुंडली में ग्रह मैत्री के बारे में जरूर सोचिएगा, नहीं तो आगे चल के बड़ी परेशानियां होने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों कुंडली तो आपने मिला ली, लेकिन इसमें आपने ग्रह नहीं देखे। आपकी जन्म लग्न कुंडली में मान लीजिए लड़का मांगलिक है, अब पहले घर में ये चौथा घर है कुंडली में, और ये 7वां घर है, और ये 8वां घर है, और ये 12वां घर है। अगर आप इन घर में दोस्तों देखिएगा, जो पहला भाव 4th, 7th, 8th, 12th में यदि मंगल बैठ गया कन्या की कुंडली में और वर की कुंडली के अंदर यहाँ पे मंगल नहीं है तो मांगलिक दोष बन गया। अब पॉइंट आ गया कि दोनों ही बच्चे मांगलिक हैं और तो आपके विचारों का तालमेल बहुत अच्छा हो सकता है, मैरिड लाइफ सक्सेस हो सकती है। अब इसमें भी पॉइंट क्या आता है, अगर मान लीजिए लगन में मंगल बैठा है लड़की की कुंडली में, कन्या की कुंडली में लगन में मंगल बैठे हुए हैं और पुरुष की कुंडली में 7वें घर में यदि शनि बैठे हैं या लगन में शनि बैठ गए तो मंगल दोष भंग हो जाएगा। दोस्तों कुंडली मिलान करना बड़ा ही अत्यावश्यक है, क्योंकि अब एक चीज बहुत एक आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा फॉर्मूला है वो बता रहा हूँ, जो पूरा हम ब्रह्मांड में मानते हैं कि सब पर लागू होता है। मान लीजिए ये छठा घर है, छठे घर के अंदर मान लीजिए चंद्रमा है कन्या राशि का, या मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर है या 4 नंबर आपकी कुंडली में है, और जो राशि यहाँ पे भी चंद्रमा है, मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ 8वें में चंद्रमा है, तो 8वें घर की अगर आपकी वृश्चिक राशि बन गई और यहाँ कन्या राशि बन गई, तो आपके पार्टनर की अगर ये सेम राशि बनती है तो आपके लिए वो ठीक नहीं है। वहाँ विचारों का तालमेल भी खराब होगा, रिलेशन भी डिस्टर्ब होंगे, मानसिक परेशानियाँ भी बढ़ेंगी, जीवन का तालमेल खराब हो जाएगा। फिर आप बोलते हैं पंडित जी हमने तो कुंडली मिलाई थी। अरे भाई कुंडली जब मिला रहे हो तो कम से कम आप बारीकी में देखो तो सही कि आपने छठे और 8वें के चंद्रमा वाले लड़के का सेम राशि की लड़की से शादी करोगे तो रिलेशन कहाँ बनेंगे उन दोनों के। तो दोनों चीज़ों का विचार करना है, मांगलिक का विचार करना है, चंद्रमा की स्थिति का विचार करना है,
गुण मिलान में कौन सा गुण, मान लीजिए एक एक आपका बकुट नहीं मिलता, बकुट होता है संतान से संबंधित। अब बकुट का मान लीजिए कोई दान पुण्य उपाय करके शायद चलो देर सवेर से संतान हो जाएगी, लेकिन अगर ग्रह मैत्री नहीं मिल रही, विचारों का तालमेल ही नहीं मिल रहा ब्रेन का, तो तीसरे दिन ही डाइवोर्स के हालात हो जाएंगे, लड़की जाएगी बाद में डाइवोर्स पहले। पॉइंट क्या दोस्तों, ये आपके कुंडली के स्टार मैच करना बहुत जरूरी होता है, विचारों का तालमेल बहुत जरूरी है। एक इसका एग्जाम्पल और देता हूँ, आप ट्रेन में जा रहे हो, आपको बहुत ही सुंदर दो लड़कियाँ मिली, दोनों ही सुंदर हैं, आपका एक पे दिल आ गया, आपको एक से प्यार हो गया और आप उससे विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं, आपका संबंध बहुत लंबे चले, अच्छे चले, क्योंकि आपके ग्रह और उसके ग्रहों में अट्रैक्शन थी, मित्रता हुई। और ऐसा अनजाने में भी बहुत सारी एक कम अट्रैक्शन वाले स्टार भी होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्शन वाले भी होते हैं, और कभी कभी आपके महादशा अंतरदशाएं ऐसी चल रही होती है दोस्तों कि आपका फला लड़की से शादी के हालात बन गए, या एंगेजमेंट हो गई, या लव हो गया, प्यार हो गया और आपने शादी कर ली। थोड़े टाइम बाद जैसे वो दशा चेंज होती है, ग्रहों ने अपना रंग दिखाना शुरू करना होता है और आपके रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं। तो कुंडली एक अच्छे विद्वान ज्योतिष के द्वारा मिला करके ही शादी करें, ना कि ये ऑनलाइन और कंप्यूटर पे जो आजकल मैच मेकिंग चल रही है, इन सब चीज़ों में आप मत जाइए। बिना एक्सपर्ट के अगर आप कुंडली मिलान करते हैं तो आपके चांसेस खराब होने के रहेंगे ही रहेंगे। और दोस्तों ये कुंडली मिलान की बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप इस फॉर्मूले को अपनाते हैं। तो दोस्तों मिनिमम मेरा ये मानना है कि अगर किसी की कुंडली में 9 गुण से ऊपर, मतलब 18 के भी आधा कलयुग में 9 से भी अगर 9, 9.5, 10, 11, 12 गुण भी मिलते हैं और बाकी चीज़ें ठीक है, तो दोस्तों आप विवाह कर सकते हैं ईश्वर की कृपा से, लेकिन ग्रह मैत्री याद रखिएगा बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये चैनल नारायण एस्ट्रो इंडिया और एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण, आप दोनों चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताकि आपको अच्छा लगे तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज कीजिएगा, ताकि हम एक नया आपके लिए कुछ और एक एपिसोड बना सकें। और दूसरा दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जानकारी, ये कॉपी लिंक करके आप आगे जरूर अपने दोस्त मित्रों को बताइए, ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके जानकारी का। तो नारायण जी को आज्ञा दीजिए मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।